आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई सॉन्ग चलता है, कई सॉन्ग ऐसे होते हैं उसमें दो तीन तालों का प्रयोग किया जाता है बजाते समय, इसीलिए बहुत अलर्ट होके सुनकर और उसके छंद को समझकर बजाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कहरवा में गाना चल रहा है और चलते 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 वो रूपक में गाना हो जाता है, या रूपक में गाना चल रहा है अब आगे जाके पता चला कहरवा में गाना होने वाला है। तो जब आपका कहरवा में गाना होने वाला है, जब आपको पता ही नहीं है कि कहरवा हो जाएगा, तो उस छंद को, उस लय को दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो ताल बदल गया है, वो छंद नहीं आ रहा, तो हम तुरंत उस छंद को पकड़ लेंगे। जैसे एक भजन भी था, लता जी का था भजन कि श्याम घन घन श्याम बरसो, उसमें क्या है पहले रूपक बजता है, रूपक के बाद उसी गाने में फिर कहरवा आ जाता है। अब देखिए जब हमें पता नहीं होगा या अलर्ट नहीं रहेंगे या समझ नहीं पाएंगे तो कहरवा वाले जगह को हम पकड़ नहीं पाएंगे। श्याम घन घन श्याम बरसो बहुत प्यार से जिस राधा ने चुराया, कहरवा आ गया भी आ रहा है। तो इसलिए बहुत ही अलर्ट होके गाने को सुनना चाहिए, या तो आपको पता हो पहले से, अगर नहीं पता है तो कहीं अगर ऐसा झटका आता है तो आप उसको सुनिए, सुन के ताल बदल लीजिए और उसमें मिला लीजिए।